Good morning, students. Very soon, I am going to start the second unit from your book, Communicative English. Now, I am going to start the first section of this unit. The name of this lesson is Art Rocks. From the heading itself, you can understand that we'll know about such rocks, such rock forms, where on the rocky surface we will be attending to, we will be understanding some art forms. Now this travelogue is about Bhimketa. ये जो travelogue है ये Bhimketa एक जगह है उसके बारे में है. Now let's come to know what is Bhimketa. MP मध्य प्रदेश में early human beings ने कुछ scenes अपने लाइफ से, कुछ सीन्स अपने लाइफ के बारे में इस रॉक्स पर, रॉक सरफेस पर उन्होंने पेंट किया था. तो ये जो प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स थे, ये रॉक शेल्टर्स को भीमकेता कहा जाता है. तो यू हैव अंडरस्टूड, भीमकेता प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स है, एमपी में पाई जाती है. एमपी में एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के अंदर ऐसे कई केव्स है जिसके, ये केव्स रॉक से बने हुए हैं और इस केव्स के अंदर रॉक्स के सरफेस में हमारी जो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स थे उन्होंने पेंट करके अपने लाइफस्टाइल, उस समय वो किस तरीके से ज़िंदगी जीते थे वो उन्होंने उस रॉक सरफेस में पेंट किया था. तो यू कैन से दैट इट इज़ एन इंस्पायरिंग गैलरी दिस playing art. This art, ये एक गैलरी की तरह है, ये भीमकेता एक गैलरी की तरह है. और ये जो आर्ट्स इस रॉक सर्फिस में बताए गए हैं ये पैलोकोलिथिक एज से शुरू हुई है, दैट मीन्स अर्ली स्टोन एज से लेकर मीडियवल या फिर द मिडल एजेस तक की जो लाइफ स्टाइल थी ह्यूमन बींग्स की, मतलब कैसे वो खाना खाते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या क्लोथ्स पहनते थे, उनके क्या वेपन्स थे, उनकी क्या लाइफस्टाइल थी. तो उन्होंने पेंट करके ये स्टोनी कैनवास पर उन्होंने पेंट किया था. वाई स्टोनी कैनवास? क्योंकि रॉक सरफेस, स्टोन सरफेस, स्टोनी, और उन स्टोन सरफेस में उन्होंने पेंटिंग की थी. जैसे हम लोग वाइट कैनवास में किसी का पोर्ट्रेट बनाते हैं. We find records of life starting from the period when people were hunter-gatherers to the time when iron technology had become quite significant. तो इन पेंटिंग से हम लोग को पता चलता है, we get the records of life, कि लोग जब hunter-gatherers थे, जब लोग hunter-gatherers थे मतलब hunting करके अपनी food को collect करते थे, forest में जा जाकर hunting करते थे, फूड गैदर करते थे, उस पीरियड से लोग कैसे लाइफस्टाइल जीते थे. और उसके बाद जब तक आयरन टेक्नोलॉजी नहीं आई तब तक लोग किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल जीते थे, उन सब चीज़ की पेंटिंग्स इन इस भीमकेता रॉक शेल्टर्स में हमको मिलेगी. नाउ अ स्टडी ऑफ दिस पेंटिंग गिव अस एन इनसाइड इनटू द एक्टिविटीज ऑफ प्री हिस्टोरिक पीपल. अगर हम इन पेंटिंग को की स्टडी करें, विल कम टू नो अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ द प्री हिस्टोरिक पीपल, देयर लाइफ स्टाइल, देयर क्लोदिंग, द एनिमल्स दे हैड एंड न्यूमरस अदर्स फेसेट्स ऑफ देयर डेली लाइफ. नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द नरेशन. फ्रेश फ्रॉम द बुक लॉन्च ऑफ इजहल महजीद्स स्टनिंग न्यू पोइट्री कलेक्शन इन भोपाल, I find myself gazing at the rock shelters of Bhimketa. Now what the narrator, narrator मतलब जो ये narration लिख रहे हैं, तो narrator कोई narration कोई fictitious imaginary based story नहीं होती है. Narration मतलब the facts जो हो रहा है उसके बारे में अगर लिखी जाए तो हम उसको कहते हैं narration. तो यहाँ narrator बोल रहे हैं कि उन्होंने एक book पढ़ी थी इजलाल मस्जिद की,
उसमें उस बुक में उन्होंने बहुत सारे पोइट्रीज लिखे थे जो बहुत ही ज़्यादा स्टनिंग थी, अमेजिंग थी, भोपाल में। तो उन पोएम्स में उन्होंने, इजबाल मस्जिद ने इस भीमकेता प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स के बारे में बताया था। तो नरेटर ने उन पोइट्रीज में इनके बारे में तो पढ़ी थी, लेकिन जब वो खुद वहाँ भीमकेता जाकर उस प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स को स्टडी कर रहे थे, तो उनको स्टडी करते करते उनको इजबाल मस्जिद की पोएम्स याद आ गई। फॉर इंडीड देर इज समथिंग सबलाइम अबाउट दिस प्लेस, लुकिंग एट द ऑर्कर एंड द फाइन इंजियन रेड पेंटिंग। तो नेचुरली फॉर इंडीड जब जब नरेटर भीमकेता पहुंचे, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि उस प्लेस में जो चीज़ उन्होंने देखा, रॉक्स के ऊपर पेंटिंग्स, इससे उनको बहुत इंस्पिरेशन मिली। तो बहुत इंस्पायरिंग थी, सबलाइम थी। लुकिंग एट द ऑकर एंड फायर इंजिंग रेड पेंटिंग्स, तो वो क्या देख रहे थे उन पेंटिंग्स में, क्या उन्होंने नोटिस किया? फायर इंजिन रेड, मतलब सारे पेंटिंग्स रेड पेंट से ज़्यादातर बने हुए थे, और वो सारे पेंटिंग्स इट वॉज मेड बाई ह्यूमन हैंड्स सेवरल थाउजेंड ईयर्स अगो, बहुत साल पहले ह्यूमन बींग्स ने अपने हाथों से रेड कलर की पेंट, रेड कलर को ज़्यादा यूज़ करके रॉक की बनाई हुई चट्टानों में, रॉक की सरफेस में, स्टोनी सरफेस में, जैसे कि वो स्टोनी सरफेस नहीं, कैनवास हो, उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को बता दिया था पेंटिंग करके, रिकॉर्ड कर दिया था। तो वहीं पर अब नरेटर खड़े हैं, तो उन्होंने उन पेंटिंग में क्या स्पॉट किया? उस रेड कलर की पेंटिंग में कभी कभी वो बफेलो को स्पॉट किए, कभी डियर को उन्होंने देखा। तो वो समझ गए कि उनके जो अर्लीस्ट एंसेस्टर्स थे, जो उनके पूर्वज थे, प्री हिस्टोरिक टाइम के पूर्वज, वो कौन कौन से एनिमल्स को पेट करते थे, वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ फाइट करते थे, हाउ व्हाट दे यूज्ड टू सिंग, व्हाट दे यूज्ड टू प्ले, एंड ऑल दीज ही कुड ईजिली फाइंड आउट आफ्टर गोइंग थ्रू द पेंटिंग्स ऑफ भीमकेता। तो नेचुरली इसलिए नरेटर को फील हुआ कि वो जो पर्टिकुलर जगह भीमकेता जिसका नाम था, वो एक अनयूजुअल प्लेस थी, जहाँ वो एक साथ स्टोनी सरफेस में पेंटिंग्स के द्वारा अपने अर्लीस्ट एंसेस्टर्स की लाइफस्टाइल को समझ पाए। यस, नाउ एन आर्कियोलॉजिस्ट विष्णु श्रीधर वनकांकर चांस्ड अपॉन दीज रॉक शेल्टर। नाउ अब हमको नरेटर ये बताना चाहते हैं, नाउ द नरेटर इज ट्राइंग टू टेल अस दैट हु एक्चुअली फाउंडेड दैट पर्टिकुलर प्लेस, हु स्पॉटेड दैट प्लेस ऑफ भीमबेटका अमिड्स डेंस फॉरेस्ट के बीच में एक भीमकेतका करके, ये जो प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर थी, किसने ढूंढा था? ही वॉज एन आर्कियोलॉजिस्ट, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था विष्णु श्रीधर। वो बाई चांस इन रॉक शेल्टर्स को स्पॉट किए थे इन 1957, जब वो ट्रैवल कर रहे थे बाई ट्रेन टू भोपाल। मतलब वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे टू भोपाल, तो बाहर जब उन्होंने खिड़की से देखा, तब जंगलों के बीच में ऐसे ऐसे रॉक शेल्टर्स को उन्होंने स्पॉट किया। तो ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन हिडन इन अ डेंस ऑलमोस्ट इम्पेनेट्रेबल फॉरेस्ट। तो ये जो रॉक केव्स थे, ये ऑलमोस्ट इट वाज़ हिडन, छुपा हुआ था इन द डेंस इम्पेनेट्रेबल फॉरेस्ट, एक ऐसी फॉरेस्ट के अंदर जो बहुत ही घनी एंड इम्पेनेट्रेबल, जिसके अंदर इजीली हम जा नहीं सकते हैं। तो ऐसे फॉरेस्ट के बीच में इन रॉक शेल्टर्स को
1957 में विष्णु शिरडकर एन एस्ट्रोलॉजर ने स्पॉट किया व्हाइल ही वाज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन टू भोपाल. नाउ इस भीमकेत का जो एक घनी जंगलों में है, नेचुरली जंगल के अंदर है, सो नेचुरली दिस प्लेस इज इनहैबिटेड बाय वाइल्ड एनिमल्स. दी शेल्टर्स हैड लॉन्ग फाउंड मेंशन इन द पॉपुलर कल्चर ऑफ द आदिवासी. लेकिन ये जो शेल्टर्स थे ये वावनकर की डिस्कवरी से पहले आदिवासी, वहाँ के आदिवासी लोगों को पता था उस जंगल के, बट नॉट एनी अदर देन द आदिवासीज. ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट एरा सम स्टूपास वे बिल्ड इन द विसिनिटी. उस भीमकेत का, उस प्री हिस्टोरिक रॉक से बने हुए केव्स के आसपास नेबरहुड में, ऑलराइट चिल्ड्रन, बुद्धिस्ट एरा में कुछ कुछ स्तूपास बनाए गए थे. विसिनिटी मीन्स नेबरहुड. And the region became associated with Buddhist lord. And just because Buddhist stupas were built in the vicinity, in the neighborhood of this place, Bhimketa, so ye jo region hai Bhimketa, it became popular with the Buddhist culture. The name Bhimketa however is associated with Bhima. ये जो भीमकेता नाम है किससे associated है? Bhima. You know Bhima, the warrior prince from the Mahabharata. And why Bhima was famous? He was famous for his immense strength. तो ये भीमकेता नाम किसके नाम पर रखा गया? The warrior prince Bhima. The word Bhimketa is said to be derived from Bhim Baitka, meaning Baitak, a sitting down or a seat of Bhim. Actually, Bhim Baitka, ye jo word hai, this is derived from the actual word Bhim Baitka, matlab meaning Baitak, means a sitting place of Bhima. So Kankar's serendipitous discovery brought the 700 odd rock shelters spread over 10 kilometers. So Wadankar ki ye serendipitous discovery, matlab by chance discovery thi, alright. He didn't actually thought of, he was not actually planning of finding out this particular place, alright. So by a happy coincidence he came to know this place where there were 700 odd rock shelters. This place was spread over 10 kilometers, and the stunning painting in red or white with the occasional flash of yellow or green, मतलब ये जो सारे paintings थे इस stone के surface में, ये either red color के थे या white color के, कभी कभी बीच बीच में yellow और green color नजर आ रहे थे. Now very soon this paintings got very famous, causing the UNESCO to declare them. UNESCO ने इन paintings को declare किया as a world's heritage site in 1970, situated 45 kilometers from Bhopal at the southern edge of low-lying Vindhyachal Hill. तो ये जो भीमबेटका है, it is situated 45 kilometers from Bhopal, southern edge of the low-lying Vindhyachal Hills. These rock shelters are made of massive sandstone rocks balanced on each other to form natural shelters from the sun, wind and rain. On the smooth underside of the rock faces we find the painted scenes from an ancient past.
तो रॉक फेसेस की स्मूथ साइड में हम लोग किसकी पेंटिंग देखते हैं? एंशियंट पास्ट शोइंग द अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. जैसे मैंने कहा इन पेंटिंग्स में अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में पता चलता है. हमारे अर्ली मैन लोग किस तरीके से लाइफस्टाइल लीड करते थे उसके बारे में पेंटिंग्स बनाई गई है. साइंटिस्ट बिलीव दैट दीज रॉक शेल्टर्स डीप इन द फॉरेस्टेड हार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर इनहैबिटेड बाय हॉमिट्स मोर देन 100,000 ईयर्स अगो. तो साइंटिस्ट बिलीव करते थे, साइंटिस्ट हैव फेथ दैट ये जो रॉक शेल्टर्स है जो एकदम यू कैन सी इट इज फाउंड डीप डाउन इन द फॉरेस्ट एरिया in the deep forest, in the depth of the forest of the Indian subcontinent, were inhabited. यहाँ पे कौन रहते थे? Hominids. Hominids मतलब early humans. More than 100,000 years ago. The rock painting found here are approximately 30 years old. Belonging to the पैलियोलिथिक एज. पैलियोलिथिक एज को बिलोंग करती है ये रॉक पेंटिंग्स और ये 30,000 ईयर्स ओल्ड है. अ क्लस्टर ऑफ रॉक शेल्टर्स इज कॉल्ड जू. एक रॉक शेल्टर्स की ग्रुप को क्लस्टर को जू कहा जाता है. पेंटेड एट डिफरेंट टाइम्स फ्रॉम तो ये जो रॉक शेल्टर्स थे वो एक बार में ही पेंटिंग नहीं हुई है उनके रॉक सर्विस में. डिफरेंट टाइम्स डिफरेंट एलिमेंट्स आके पेंट किए हैं. पेंटेड एट डिफरेंट टाइम्स फ्रॉम मेसोलिथिक एज से लेकर मीडिवल एज तक. इट शोज अ प्रोफ्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड एंड द मोस्ट विविड कलर एंड लाइफ लाइक फॉर्म्स. तो इन पेंटिंग्स में हम क्या देखते हैं? बहुत सारे एनिमल्स बर्ड अलग अलग कलर्स में अलग अलग लाइफ फॉर्म्स में. बोर्स एलिफेंट्स राइनोसरस बारासिंघा स्पॉटेड डियर. मतलब पेंटिंग्स तो पूरी रेड वाइट एंड येलो से बनी हुई है. अगर गॉड से हम देखते हैं तो पता चलता है उन पेंटिंग्स के अंदर अंदर ये सारे लाइफ फॉर्म्स इस तरीके से पेंट किया गया है जैसे वो पूरी तरीके से क्लियरली नज़र नहीं आ रहे. बट अगर हम बहुत इंटेंटली नोटिस करें तो कहीं कहीं से ये लाइफ फॉर्म्स हम लोग को दिखाई देंगे. ऑलराइट, हिडन बिहाइंड द कलर्स ऑफ रेड एंड वाइट. तो जैसे बोर्ड्स है, एलिफेंट्स है, राइनोसरस है, बारासिंघा. कभी कभी दैट्स वाई द वर्ड स्पॉटेड इज देयर. डायरेक्टली आपको देखने को नहीं मिलेगा. डायरेक्टली यू विल नॉट बी एबल टू सी. यू हैव टू स्पॉट देम. यू हैव टू फाइंड आउट एज इफ दे आर हिडन बिहाइंड द कलर्स. डियर कैटल स्नेक्स अकाउंट ऑफ इट्स वेल डिजर्व नेम. समटाइम्स यू विल ऑल्सो फाइंड द सीन डिपिक्टिंग हंटिंग फिशिंग फूड गैदरिंग as well as communal dances, the use of musical instrument, birth, funerals and burials. So what do we come to know, children? Our early men in prehistoric time, the human beings, by drawing on those stone surfaces, they had tried to show what type of lifestyle they were leading. They had depicted the scene like they used to do hunting, fishing, how they used to do food. That means unki main activities kya tha? हंटिंग करना, फिशिंग करना, फूड गैदर करना. बिकॉज दे वुड कलेक्ट फूड एज वेल एज उनके जो कम्युनिटी डांसेस, वो क्या क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर. दैट मीन्स दे न्यू हाउ टू यूज़ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, हाउ टू इन्जॉय लाइफ विद द हेल्प ऑफ एंटरटेनमेंट लाइक म्यूजिक. हाउ दे वुड टेक बर्थ फ्यूनरल्स एंड बरियल्स, हाउ देयर फ्यूनरल्स एंड बरियल्स वुड टेक प्लेस. मतलब लोगों मरने के बाद उनकी फ्यूनरल सेरेमनी, उनको कैसे फ्यूनरल किया जाता था, उनकी फ्यूनरल प्रोसेस में उनको कैसे बरी की जाती थी. मेक दी रॉक सर्फेसिस कम अलाइव अ थाउजेंड स्टोरी. तो इन रॉक सर्फेसिस को अगर हम देखते रहेंगे तो हमारे सामने ऐसे थाउजेंड ऑफ स्टोरीज इवेंट्स जो अर्ली मैन के टाइम में हुआ था वो इवेंट्स हम वापस इस मॉडर्न एज में हम उस इवेंट्स को अपने मन में मेमोराइज करते हुए समझ पाएंगे, देख पाएंगे. रिकॉग्निजेबल एनिमल फिगर्स अपीयर इन मेनी सीन्स. नाउ बहुत सारे एनिमल फिगर्स भी आ रहे हैं
बोथ सिंगल एज टू ह्यूमन बींग्स भी आ रहे हैं, सिंगल सिंगल ह्यूमन बींग्स की ड्रॉ किया गया है, कहीं 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 ग्रुप्स में है। तो जब ग्रुप्स में है यू कैन अंडरस्टैंड कि दे ऑल्सो लिव्ड इन सोसाइटी, दैट मीन्स सोसाइटी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, बिकॉज सोसाइटी मीन्स वॉट, ग्रुप ऑफ पीपल। सो बाई सीइंग सम टाइम द पेंटिंग्स ऑफ पीपल इन अ ग्रुप will come to know that in the pathologic age society came into existence, people had started to live in society. The Mesolithic age that began around 8000 years BCE was the time when tradition and religious belief based on nature and ecology began to take shape. So Mesolithic age wo age thi अराउंड 8000 ईयर्स अगो, जब ह्यूमन बींग्स ट्रेडिशंस रिलीजियस बिलीव्स बेस्ड ऑन नेचर एंड इकोलॉजी में विश्वास करने लगे थे। द भीमबेटका पेंटिंग्स बियर नोट विटनेस टू हाउ अ ग्रेट सिविलाइजेशन केम इन टू बींग। तो अगर हम इन भीमबेटका पेंटिंग्स को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि किस तरीके से धीरे धीरे फ्रॉम द अर्लीएस्ट टाइम सिविलाइजेशन धीरे धीरे डेवलप हो रहा था, हाउ इज फाउंडेशंस वे लेड इन क्रूड लाइन ड्राइंग्स एंड हाउ लेटर जनरेशन फिल्ड दीज आउटलाइन विद कलर। तो पहले तो अर्लियर टाइम्स में ये ड्राइंग्स सिंपल लाइंस में बनी, सिंपल लाइन के द्वारा बना हुआ था, जो प्रॉपर लाइनिंग भी नहीं उन लोग कर नहीं पाते होंगे उस समय। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई, डेवलप करती गई, तो वही जो रफ लाइंस थे उन लाइंस को और ज़्यादा क्लियर किए आने वाले जनरेशन, उसी आउटलाइन के ऊपर, उसी रफ लाइन के ऊपर प्रॉपर आउटलाइंस बनाए और कलर किए, डिटेल किए। मतलब पेंटिंग्स की डिटेलिंग धीरे धीरे हर पीरियड के साथ, हर जनरेशन के साथ, डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन के साथ आने वाली जनरेशन करती गई। पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट एल्यूशनरी टाइम ग्रुप्स यूज। तो इससे पता चलता है कि ये पेंटिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर जनरेशन ने कंप्लीट नहीं की थी, इट कंटिन्यूड अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ जेनरेशन। इवोल्यूशनरी टाइम ग्रुप्स यूज द सेम रॉक सर्फेस एज देयर कैनवास, दस मल्टीपल सीन्स आर आइदर सुपर इम्पोज्ड और ड्रॉन अलॉन्ग साइड। द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट म्यूटेड एंड कंप्लीटली क्रूडर पेंटिंग्स आर यूजली क्लोजर टू द रॉक बेस। तो जैसे एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, द ओल्डेस्ट पेंटिंग्स, the rough paintings you can say are closer to the rock base, are closer to the rock surface. aur jaise jaise development hoti gayi, paintings mein development aate gaye, detailing hoti gayi, wo uske upar, us rough painting ke upar wo sare paintings ki detailing kiya gaya। A spotted deer, a gaily decorated horse, a man carrying a plumed handheld insignia, similar to the ones still used by the Adivasi dancers, horse-borne riders carrying blunt, ye sari cheeze, all these things could be seen. And then progressively, or phir dheere dheere uske upar bows and arrows and figures engaged in battle। मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक पेंटिंग के ऊपर दूसरी पेंटिंग, जैसे जैसे लाइफ स्टाइल में डेवलपमेंट होती गई पेंटिंग बनाया गया। तो जो सबसे जो अर्लीस्ट पेंटिंग थी वो रफ थी, क्रूड लाइन से थी, तो वो एकदम रॉक सर्फेस के एकदम नियर थी, और फिर आने वाली मॉडर्न पेंटिंग उसके ऊपर ऊपर बनती गई। Overwhelmed by the tablet set out before our eyes, our small party of three sought a quiet corner to take in the enormity of human evolution displayed almost chronically before us. We were happy when we found a ledge at the far corner of a viewpoint, propped up against a smooth rock surface. We sat in the company's silence, gazing at the patchwork quilt spread out by nature.
द सेटिंग सन वॉज टर्निंग अप. नरेटर हमको ये कहना चाहते हैं कि जब नरेटर अपने स्मॉल पार्टी के साथ वहाँ व्यू करने गए, देखने गए, तो अपने सामने इतनी अच्छी पेंटिंग के एक प्रॉपर ऑर्डर में बनाया हुआ जनरेशन वाइज देखकर ही वॉज वेरी मच प्लीज्ड एंड ओवरवेल्म्ड. द सन वॉज सेटिंग टर्निंग द फील्ड्स ऑफ द मस्टर्ड टू. सन सेट हो रहा था मस्टर्ड फील्ड जो येलो फ्लावर्स से भरे हुए थे, लाइक जैसे गोल्ड से भरा हुआ, वो गोल्ड धीरे धीरे मानो मेल्ट हो रही थी, ऐसे एज इट कुड बी सीन द मस्टर्ड. द नरेटर इज कंपेयरिंग द मस्टर्ड विद द मोल्टन गोल्ड बिकॉज द सन वॉज सेटिंग. द टेंडर ग्रीन ऑफ अनराइप व्हीट ऑल्टरनेटेड विद डार्कर ऑलिव टू स्टेटली साल्ट. मतलब ये सारे ट्रीज एंड क्रॉप्स इस पर्टिकुलर भीमबेटका के चारों तरफ ये क्रॉप्स एंड ट्रीज पाई जाती है, तो उसकी नेचुरल ब्यूटी नेचर एडमायर नरेटर सॉरी एडमायर कर रहे थे. और इन ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड को देखकर द नरेटर वॉज फीलिंग दैट देर वॉज अ परफेक्ट हारमोनी विच वॉज स्प्रेडिंग ऑन इन द डिस्टेंट होराइजन. होराइजन मतलब वो जगह जहाँ हमको लगता है, यू सी चिल्ड्रन, दैट वी इमेजिन दैट द सन इज टचिंग द सॉरी द स्काई इज टचिंग द अर्थ. ऐसा कोई जगह नहीं है, लेकिन अगर आप दूर कहीं खड़े हो और दूर तक आपकी जहाँ तक आपकी विसिनिटी जाए आप देख रहे हो, यू कैन जस्ट फील इट. तो दैट पर्टिकुलर स्पॉट इज नोन एज होराइजन. Just as we were visualizing how utterly magical the view of our ledge would be during the rains and making plans to come again. तो जैसे उन लोग planning कर रहे थे, the narrator along with his party group, कि वापस उन लोग आएंगे मानसून सीजन में. Alright. The great Indian tourist arrived unbidden and like the unforgivable in China shop proceeded to have a long and loud conversation to his cell phone, thus shattering the silence. तो एज दे वे इंजॉयिंग द साइलेंस ऑफ द प्लेस द ग्रेट इंडियन टूरिस्ट वहाँ पे अराइव हुए और चाइना शॉप में जैसे लोग बातें बहुत करते हैं वैसे ही वो लोग वहाँ के टूरिस्ट जो है सेल फोन में बातें करने लगे. जस्ट दस इट शैटर्ड इट डिस्ट्रॉयड द साइलेंस विच द नरेटर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स वर एंजॉयिंग सुप्रीमली अनअफेक्टेड बाय अ ग्लेज एंड पॉइंट. He continued endless monologue in his booming voice, but that person who was talking in his cell phone continued to talk. He didn't understand that the narrator was trying to point him out through his glares to keep quiet. So naturally what they could do, finally they accepted their defeat, they got up and left that place. But nothing and nobody could take away the way we carried. But now the narrator is saying the way, the amazing facts, the amazing things, the amazing painting that he had seen, that shocking experience, that charm. Though he was no longer in that particular place, but he carried that amazing charm, the view of the Abhimketka, back to his house. Back home. And even till this date, as the narrator is saying, whenever he visualizes Bhimbetka in his mind, he has goosebumps. Matlab, he has shocking experiences. Thank you, children.